मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार शरीफ की बड़ी दरगाह पहुंचकर महान सूफी संत मखदूम साहब की मजार पर चादर पोशी कर सूबे की खुशहाली की दुआ मांगी। मखदूम साहब का 660वां उर्स मनाया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी दरगाह और खानकाह ए मुअज्जम में 4,57,00,000 की लागत से निर्मित दो मुसाफिर खानों का सीएम ने उद्घाटन भी किया। मखदूम साहब के दूसरे गद्दी नशी के संग्रहित उपदेश पर लिखी गई पुस्तक गंजे ए लयफा का विमोचन भी हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मखदूम साहब महान सूफी संत थे, भारत ही नहीं दूसरे देश में भी उनकी ख्याति है। उर्स के मौके पर दुनिया से लोग बड़ी दरगाह आते हैं, यहाँ लोगों की सुविधा के लिए दो मुसाफिर खाने का निर्माण कराया गया है। इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, मखदूम शाह के गद्दी नशी पीर साहब, डीएम शशांक शुभंकर, एसपी अशोक मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी और पार्टी के नेता मौजूद रहे। तो हम पहले भी आते रहे हैं, लेकिन बीच में कोरोना का दौर था, इसके चलते कभी आ नहीं पा रहे थे। आज फिर आने का मौका मिला है, मुझे इसके लिए बड़ी खुशी है और आप सबको मालूम है। और यहाँ पर एक एक बात चाहते हैं कि समाज में सब लोग प्रेम के साथ और भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे का इज्जत करें, मिलकर चलें, आगे बढ़ें, यही हम लोगों की प्रार्थना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।